हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं कूल स्टार टैक। दोस्तों आज आ गया मेरे को नई वीडियो लेके। आई होप कि दोस्तों आज फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये है बिजर का सेमी हार्मेटिक कंप्रेशर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्रेशर में कौन सा ऑयल चार्ज होगा और इसको किस तरह से हम इसमें चार्ज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्रेशर का मॉडल नंबर। ये देखिए दोस्तों, यह है बिजर का कंप्रेशर। इस कंप्रेशर में दोस्तों R404 एक गैस चार्ज होगी। तो दोस्तों हम किसमें कंप्रेशर में ऑयल चार्ज कैसे करेंगे, ये देखिए दोस्तों। ये जो ग्लास है यहाँ पर इसका ऑयल का लेवल दिखता है कि इसमें कितना ऑयल लेवल रहना चाहिए। जैसे अभी दोस्तों इसमें बिल्कुल एम्प्टी बता रहा है, यानी बिल्कुल खाली है। और इस पर देखिए लिखा है BSC 32, यानी कि इसका जो ऑयल का मॉडल नंबर होता है दोस्तों, ये ऑयल है इसमें BSC 32 ऑयल इसमें चार्ज होगा। इसका डेडनेट है दोस्तों, यहाँ से खोल के भी हम ऑयल डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से ऑयल निकाल सकते हैं। बट दोस्तों हम यहाँ से ना खोल कर हम इसको अच्छी तरह से ऑयल चार्ज करेंगे। दोस्तों ऑयल चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दोस्तों इसका सक्शन लाइन पे से इसका ऑयल चार्ज करें। तो दोस्तों ये देखिए, ये सक्शन का वॉल्व, इसको पहले अच्छी तरह से हम खोल लेते हैं। दोस्तों अभी हमारे कंप्रेशर में बिल्कुल भी गैस नहीं है, इसलिए हम इसके सक्शन वॉल्व को आराम से खोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके वॉल्व को खोल लिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ऑयल चार्ज करेंगे, जिससे कि हमारा जो ऑयल इसमें है, हमें कंप्रेशन में ऑयल चार्ज करना बहुत ही आसानी से हमारा ऑयल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों हमने इसमें ऑयल चार्ज करने के लिए देखिए एक प्लास्टिक की बॉटल को काट लिया है, जिससे कि हमारा ऑयल इसमें कंप्रेशन में डालते टाइम गिरे नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से इसमें लगा लिया है कंप्रेशर के अंदर, जिससे कि हमारा ऑयल नहीं फीके डालते टाइम। और ये देखिए दोस्तों, हमने ये ले ली है इसके ऑयल की कैन, जिसमें BSC 32 ऑयल है। दोस्तों ये 5 लीटर की कैन है, हमें सिर्फ इसमें जितना कंप्रेशर दोस्तों कंप्रेशर में जो ऑयल का लेवल दिख रहा है उतना ही ऑयल चार्ज करना है इसमें, ना उससे ज़्यादा ना इससे कम। चलिए दोस्तों इसमें ऑयल डाल लेते हैं। दोस्तों पूरा ऑयल इस पर एक बार में नहीं डालना है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ऑयल चार्ज करना है, जिससे कि हमारा लेवल भी दिखता रहे। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ से सक्शन से हम ऑयल डालते हैं तो नीचे पहुँचने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए दोस्तों लेवल को पहले चेक करते रहिए और आराम आराम से रुक कर इसमें ऑयल चार्ज करना है। थोड़ा देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दिया है, अब हम इसके ग्लास में चेक करेंगे। ये देखिए, हमारे ऑयल डालने से पहले ये जो ग्लास था बिल्कुल एम्प्टी बता रहा था, मतलब बिल्कुल खाली बता रहा था। अब इसमें ऑयल आ गया, देखिए इसमें ऑयल का लेवल दिखने लगा है। बट अभी जो ऑयल का लेवल दोस्तों ये मिनिमम से भी कम है, तो इसे हमें मैक्सिमम पे करना है। तो चले आइए और ऑयल बढ़ा देते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा ऑयल इसमें जितना डालना था उसमें हमने डाल दिया है, और हमारा जो ऑयल का लेवल है जितना हमें चाहिए था उतना आ गया है। ये देखिए मैक्सिमम पे आ गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऑयल। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर तक ऑयल आ गया है, और जो हमारा मैक्सिमम का लेवल है वो भी वहीं पर ही है, मैक्सिमम के लेवल पे आ गया है दोस्तों। यानी कि हमारा ऑयल जितना हमें प्रॉपर चाहिए था इसके अंदर कंप्रेशर के अंदर, उतना ऑयल आ गया है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि ऑयल ज़्यादा भी नहीं इसमें चार्ज करना, वरना इसमें ऑयल मिनिमम से नीचे रहना चाहिए। दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से देखिए इसका ऑयल चार्ज कर दिया कंप्रेशर के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी से सेमी हार्मेटिक कंप्रेशर बिजर के अंदर ऑयल चार्ज कर दिया। आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से इसमें ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके सक्शन के वॉल को खोले बिना ऑयल चार्ज करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप ना बिना उसके सक्शन के वॉल को खोले आप उसमें ऑयल चार्ज कर सकें। दोस्तों उसके बाद हमने प्रॉपर इसकी सर्विसिंग कर दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।